नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर के महाराज छत्रसार रेलवे स्टेशन पर अब सुविधाओं का विस्तार होने लगा है और यात्रियों के लिए और भी सुविधाएं मिल रही हैं। यहां से अब बाहर आने जाने के लिए 6 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। एक दिन में 3 ट्रेनें हैं जो आपको राजधानी भोपाल पहुंचाती हैं। राजधानी पहुंचने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय तबके को भी सस्ती यात्रा की सुविधा मिलने लगी है। भोपाल जाने वाली महामना एक्सप्रेस में 5 दिसंबर से जनरल टिकट भी स्टेशन पर विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। 3 जनरल डिब्बों में 300 यात्री स्टेशन पर ही टिकट खरीद कर बैठ सकते हैं। इस टिकट की कीमत लगभग ₹155 है। हालांकि कोरोना के कारण पहले जनरल टिकट को बंद कर दिया गया था। छतरपुर स्टेशन से खजुराहो महामना एक्सप्रेस ट्रेन उपलब्ध है जो पर्यटन नगरी खजुराहो से भोपाल तक जाती है। इसी तरह खजुराहो ललितपुर एक्सप्रेस से झांसी टीकमगढ़ और ललितपुर तक की यात्रा सुविधाजनक हो जाती है। अंबेडकर प्रयागराज एक्सप्रेस गाड़ी से भोपाल और इंदौर तक की यात्रा की जा सकती है। इसी तरह खजुराहो कुरुक्षेत्र ट्रेन के जरिए आप दिल्ली तक यात्रा कर सकते हैं। पिछले दिनों शुरू हुई बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन से चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है जो अहमदाबाद से लेकर नेपाल बॉर्डर तक की यात्रा को आसान बनाती है। पिछले महीने शुरू हुई प्रयागराज पनवेल मुंबई एक्सप्रेस भी सप्ताह में एक दिन सोमवार को चलाई जा रही है। इसके नवीन परिचालन के आदेश भी जारी हुए हैं। अब यह ट्रेन 3 हफ्ते और बढ़ाकर 2 जनवरी 2022 तक चलाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। एक तरफ छतरपुर स्टेशन से रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। छतरपुर स्टेशन पर अब दोनों प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं। यहां एक वक्त पर 2 गाड़ियां पहुंच सकती हैं और यात्री ओवर ब्रिज के माध्यम से दोनों गाड़ियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। खजुराहो से लेकर छतरपुर तक का डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। स्टेशन मास्टर नंदकिशोर कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि छतरपुर में यात्रियों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी के मद्देनजर अब रेलवे अपनी सेवाओं को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप पीछे देख रहे होंगे ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिख रहा है। दिनों दिन यहां पर छतरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं और जो यहां का ट्रेन स्टेशन का काम है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहां पर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं तस्वीरें, जो दिखा रहे हैं ये रेलवे स्टेशन छतरपुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए यात्री भी खड़े हुए हैं बसों में, ट्रेनों में जाने के लिए। और यहाँ की जो आपकी पटरी की बात करें तो यहाँ पर 4 पटरियाँ हो चुकी हैं, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 लगभग पूरा पूर्ण कार्य हो चुका है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म का जो कार्य पिछले दिनों प्रचलन में था वो पूरा तैयार हो चुका है। अब ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। लगातार ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यहाँ के स्टेशन मास्टर से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि पूरा कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर जो ट्रेन है, जो प्रयागराज और जाने वाली जो ट्रेन थी मुंबई तक जो ट्रेन जाती थी, उसमें 3 रूट अभी तक डिसाइड थे जो 12 दिसंबर तक संचालन होना था, उसके बाद 3 रूट उसके भी बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं छतरपुर से जो यात्री हैं बाहर जा रहे हैं, ट्रेनों का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड भी अब ये ट्रेनों का संचालन बाहर आगे और बढ़ा रहा है। आगामी दिनों में भी और ट्रेनें आने की उम्मीद है। अभी छतरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, यहाँ से वो जा रही हैं, चाहे बात करें इंदौर की या भोपाल की या बरौनी की या मुंबई की, तो यानी सभी ट्रेनें यहाँ पर जा रही हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो है कि पिछले लंबे समय से कोरोना जैसे ही आया था उसके बाद से ही यात्रियों के लिए जो प्लेटफॉर्म टिकट होती है या जनरल टिकट होती है वह बंद हो चुकी थी, लेकिन अब इसका भी कार्य शुरू हो गया है और महामना की भी 3 डब्बों की टिकट जो है स्टेशन से ले सकते हैं और पैसेंजर की भी टिकट स्टेशन से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को जो परेशान होना पड़ता था, रिजर्वेशन करवाने जाना पड़ता था, उसका कार्य खत्म हो गया है। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।